आप है शिक्षा सुधार के साथ, मैं हूँ नीरज। शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, सातवें चरण को लेकर बड़ी पहल, बड़ा लेटर जारी। आपके स्क्रीन पर शिक्षा विभाग का एक बड़ा लेटर है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा जारी है बड़ा लेटर। कहीं न कहीं आम शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के लिए वरदान है, साथ में सातवें चरण की नई राह खोल रहा है। आपको हम बता दें कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली मार्च महीने में अब प्रस्तावित नजर आ रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक बुलाई है। शिक्षा विभाग के इस बड़े लेटर को अगर देखें तो छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली की प्रक्रिया जो रुकी है हाईकोर्ट के निर्देश से, उस पर भी कल एक बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी EBC और OBC पुरुष अभ्यर्थियों को 5% आरक्षण का लाभ जो मिलने वाला हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, उस पर भी इस लेटर के बाद कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी बैठक के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। ऐसे में छठे चरण में जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग स्थगित हुई है उस संबंध में भी बड़ी खबर है। 14 से लेकर 16 मार्च 2022 के बीच विशेष काउंसलिंग बुलाकर छठे चरण की काउंसलिंग को पूरा करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी जो बाधित है उस संबंध में भी बड़ा फैसला। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 34,500 कोटि के शिक्षकों के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन, इस संबंध में भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद होगा और कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है। ऐसे में न्यायालय मामले के संबंध में जो भी न्यायालय में मामले थे और जो निष्पादित हुए हैं उन मामलों के बाद अब बिहार सरकार शिक्षा विभाग को कदम बढ़ाना है कि मामले निष्पादित होने के बाद अब पहल कैसे होगी। आपको बता दें कि सबसे बड़ी पहल छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, नियुक्ति पत्र से 2 दिन पहले स्टे लगा हाईकोर्ट के फैसले के बाद, और अब पुनः आवेदन की प्रक्रिया में आम माध्यमिक उच्च माध्यमिक छठे चरण के अभ्यर्थियों को जाना है। ऐसे में आपको ये भी जानना चाहिए कि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के छठे चरण में हो गई है उन पर भी अब तलवार लटक रही है, क्योंकि पुनः आवेदन की प्रक्रिया के बाद नए अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में जुड़ेंगे, और जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो गया है और नियुक्ति पत्र मिलने वाला था उनके जगह अब किसी और को भी नियुक्ति पत्र मिल सकता है, क्योंकि पुनः आवेदन की बात की जा रही शिक्षा विभाग द्वारा। और एक तरह से कहा जाए तो शिक्षा विभाग नहीं, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग द्वारा ये कार्य आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि BEd 15-17, 16-18 और 17-19 के अभ्यर्थी जो आवेदन से वंचित थे या जिन्होंने आवेदन कर दिया और उसके बाद उनको बाहर किया गया था, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग ये मन बना रही है कि BEd 17-19 के अभ्यर्थी सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। इनमें वो अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार शिक्षा विभाग कर रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित इकाई से संपर्क किया जाए, और ऐसे में आम अभ्यर्थी संपर्क कर रहे हैं, और ऐसे में शिक्षा विभाग के तरफ से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। लेटर के सारांश से तो हमने आपको रूबरू कराया, अब लेटर से रूबरू कराते हैं। लेटर में क्या लिखा है आप देख सकते हैं। रवि प्रकाश निदेशक प्राथमिक शिक्षा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने के लिए बड़ा लेटर। विषय है दिनांक 4/3/2022 को आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने के संबंध में 3800 जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जोड़ा जा रहा है। लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में शिक्षक नियुक्ति, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति आदि से संबंधित बिंदुओं पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 4/3/2022 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के मुख्य बिंदु क्या क्या है हमने आपको पहले ही बताया है, फिर से बता देते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक पदों पर उपावंटन दिनांक 14/3/2022 से 16/3/2022 को आयोजित विशेष चक्र के काउंसलिंग की तैयारी। तीसरे नंबर पर 34,540 कोटि के शिक्षकों के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन की बात है, और चौथे नंबर पर नियुक्ति पत्र वितरण हेतु लंबित मामलों की समीक्षा, और पांचवें नंबर पर न्यायालयिक मामले, न्यायालय ने जो मामलों में बड़े आदेश दिए हैं उनकी भी समीक्षा होगी, उस पर भी चर्चा होगी, और छठे में अन्य बिंदुओं पर भी बात की जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि कल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद क्या निकल कर आएगा। शिक्षा सुधार द्वारा आपको पहले ही ये बताया गया था कि शिक्षा विभाग में हलचल तेज है,
और अप्रैल के पहले सप्ताह में सातवें चरण का शेड्यूल जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर आगे कार्य कर रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 14 से 16 मार्च 2022 के बीच में जिन नियोजन रद्द नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग बाकी है वहां भी काउंसलिंग की प्रक्रिया अब पूरी करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में हमने आपको बताया था कि बिहार दिवस के दिन 22 मार्च को मुख्यमंत्री कोई बड़ा अभिभाषण दे सकते हैं और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शेड्यूल सातवें चरण का जारी हो सकता है। आप देख सकते हैं 2/3/2022 को यह बड़ा लेटर जारी हुआ, अतः उपयुक्त बिंदुओं के संबंध में संबंधित अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ससमय भाग लेना सुनिश्चित करें। आप समझ सकते हैं कि कल शुक्रवार है और शुक्रवार के रोज बड़ी बैठक होती है और आम जनों से भी मिलते हैं अपर मुख्य सचिव। ऐसे में ये बड़ी पहल कहीं ना कहीं सातवें चरण के उम्मीद में बैठे सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों के साथ एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए भी वरदान साबित होगा। आपको बता दें कि जैसे ही 14 से 16 मार्च के बीच की विशेष काउंसलिंग समाप्त होगी और नियुक्ति पत्र वितरित होगा, हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 28 मार्च से 31 मार्च के बीच शिक्षा सुधार के बैनर तले सीटेट बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थी एक बड़ा आंदोलन गर्दनी बाग में करेंगे। कल बड़ी खुशखबरी सचिवालय शिक्षा विभाग से आ सकती है। इस लेटर के बाद ये साफ होता नजर आ रहा है, खासकर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक और छठे चरण में नियुक्ति पत्र के इंतजार में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी जो बैठे हैं उनके लिए बड़ा फैसला कल हो सकता है। अब बात एसटीईटी के स्टेट पेपर 1 का रिजल्ट, जब हम स्कैन करते हैं क्यूआर स्कैन करते हैं तो पेपर 2 का रिजल्ट दिखाता है। ऐसे में आम अभ्यर्थी हलकान परेशान और इस संबंध में सचिवालय शिक्षा विभाग के साथ बीएससीबी से भी हम संपर्क करें और 1 से 2 दिन में आम अभ्यर्थियों को कोई बड़ी सूचना हम देंगे। एडमिट कार्ड बिना एडमिट कार्ड के जिन केंद्रों पर अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र स्टेट का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं कि मार्कशीट के आधार पर आम अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। आप अखबार में हमारी तस्वीर देख सकते हैं, हम लगे हैं आम अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाने के लिए। ऐसे में कल स्टेट पीआईएल की भी बड़ी सुनवाई हो सकती है। कल शुक्रवार है और शुक्रवार के रोज पीआईएल की सुनवाई होती है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट से भी कल बड़े फैसले की उम्मीद है। ऐसे में आज सीटेट दिसंबर 2019 और 2021 अभ्यर्थी गर्दनी बाग में बैठे हैं सातवें चरण के शेड्यूल के लिए। आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने नारा लगाया और आज अभ्यर्थियों की भारी भीड़ गर्दनी बाग में। आम अभ्यर्थी सातवें चरण के शेड्यूल की मांग कर रहे हैं और ऐसे में अब देखना यह है कि आज के इस बड़े आंदोलन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कल शुक्रवार है और कल सचिवालय में बड़ी बैठक हो सकती है इस संबंध में भी और कल कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। बने रहे जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ, हम लगे हैं अपने कार्यों में कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो सातवें चरण। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोड़ के बोलिए ना जी, इतने ताकत है आपके अंदर। विज्ञप्ति लाइव है, वो जो है ना वो अभी लाइव चल रही है। हेलो हेलो, हेलो ढोल अभी ला लिया, ढोल लाया है, ढोल लाया लग रहा है तो जी।